हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 7। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है, हार्मोन स्टडीड दैट इन सम केमिकल रिएक्शन अलोंग विद द प्रोडक्ट देयर इज इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो हीट जो है वो इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन किया है उसमें हीट इवॉल्व हो रहा है, देयर बाय मेकिंग द रिएक्शन मिक्सचर हॉट। तो जिससे जो रिएक्शन मिक्सचर है वो भी गर्म होता जा रहा है। तो जब हीट रिलीज होता है तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ताप निकासी क्रिया, ठीक है, ताप का निकास हो रहा है, ठीक है। तो जो है हीट जो है बेसिकली बाहर आ रहा है, तो ताप निकासी क्रिया कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, रोहित एंड हिज फ्रेंड वर हीटिंग 1 ग्राम कॉपर पाउडर इन अ चाइना डिश। तो चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर पाउडर को हीट करते हैं, दे ऑब्जर्व्ड ब्लैक कलर्ड लेयर ऑन इट, जिसको कि हम लोग कॉपर ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना, तो ये किस वजह से हुआ है, ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ है, ठीक है, कि ऑक्सीकरण की वजह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुनीत से टीचर हैड एक्सप्लेन हिम दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन स्पेसिफिक रेशियो इन वाटर। तो वाटर में स्पेसिफिक रेशियो में है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द करेक्ट रेशियो। तो कौन सा जो है वो करेक्ट रेशियो है, हाइड्रोजन जो है हम कैसे लिखते हैं, H2O, तो हाइड्रोजन जो है उसका 2 हो गया और ऑक्सीजन का 1 एटम हो गया, ठीक है, 2:1 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेनू's मदर गिफ्टेड हर अ सिल्वर बैंगल ऑन हर बर्थडे। तो रेनू की मदर ने रेनू को सिल्वर का बैंगल दिया, ठीक है, चांदी का जो है वो बैंगल दिया उसके बर्थडे पर, बट इन फ्यू डेज अ ब्लैक कलर्ड लेयर, ठीक है, तो एक ब्लैक कलर की लेयर जो है वो उस पर डिपॉजिट हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस ब्लैक कलर्ड लेयर, तो इसमें से कौन सा जो है वो ब्लैक कलर्ड लेयर है, तो वो है सिल्वर सल्फाइड, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं Ag2S, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन, रीटा हैज बॉट अ पैकेट ऑफ चिप्स विच वॉज इन्फ्लेटेड। तो रीटा ने एक चिप्स का पैकेट खरीदा है जिसे कि फुलाया गया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज फिल्ड इन सच पैकेट, तो किस तरीके का जो गैस है इसमें जो है वो भरी जाती है, तो आंसर है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है इसमें, ताकि चिप्स की फ्रेशनेस जो है वो बरकरार रहे और चिप्स जो है वो क्रिस्पी भी रहे, ठीक है, सोगी ना हो जाए। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन्स टीचर एक्सप्लेन्ड हिम दैट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है, सांस लेने की क्रिया है ना, द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन आर बॉडी सेल्स रिएक्ट विद ग्लूकोज। तो ऑक्सीजन जो है जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज है उससे रिएक्ट करता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है। रेस्पिरेशन जो है वो किस तरीके का एग्जाम्पल है, किस तरीके का केमिकल रिएक्शन है, तो रेस्पिरेशन की वजह से जो है वो हीट भी बेसिकली इसमें इवॉल्व होता है, ठीक है, हीट जो है वो रिलीज होता है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि ताप निकासी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दीपांशु जो है वो किचन में गई, ठीक है, कुकिंग करने के लिए, उसने तेल की बोतल उठाई जो कि काफी टाइम से इस्तेमाल नहीं की गई थी, उसने नोटिस किया कि इसमें जो है वो एक गंदी स्मेल आ रही है, तो क्या रिएक्शन, मतलब क्या रीजन रहा होगा इसके पीछे, जो ऑयल है वो ऑक्सीडाइज हो गया है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टुडे सुनीता एंड अनीता आर परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटासियम आयोडाइड एंड एक्वस लीड नाइट्रेट, बट वर नॉट एबल टू फाइंड लीड नाइट्रेट। तो इन्होंने बेसिकली रिएक्शन जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना है, तो इन्हें लीड नाइट्रेट जो है वो नहीं मिला, ठीक है, तो वो लीड नाइट्रेट की जगह पे किस चीज का इस्तेमाल जो है वो कर सकती है, तो वो कर सकती है लीड एसीटेट का इस्तेमाल, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टुडे इमरोज लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो काफी सारे केमिकल रिएक्शन के बारे में उसने जाना, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो, तो ये किस तरीके का रिएक्शन है, हीट जो है वो रिलीज हो रही है यहाँ पर, ठीक है, तो हीट जो है वो कब रिलीज होती है, जब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, यानी कि ताप निकासी क्रिया हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th है, द टीचर इज एक्सप्लेनिंग हर स्टूडेंट अबाउट द परसिपिटेशन रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड इन द लेबोरेटरी, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द कलर ऑफ परसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का जो परसिपिटेट है, ठीक है, उसका कलर जो है वो क्या होगा, तो वो होगा व्हाइट, यानी कि चिट्टा, ठीक है।
क्वेश्चन है, ड्यूरिंग साइंस लेक्चर टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ठीक है. नेक्स्ट डे हरिंदर वॉज आस्क्ड व्हाट विल हैपन इफ ड्यूरिंग अ रिएक्शन अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन. अगर रिएक्शन के टाइम में जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन जो है वो लूज कर देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर. तो कौन सा जो है वो करेक्ट होगा, अब जो है वो कम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, लूज कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो ये रिडक्शन हो जाएगा. ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12th है, हर लास्ट टच ओल्ड आयरन पाइप्स कैप्ट इन हिज हाउस. उसके घर में पुरानी पाइप पड़ी होगी लोहे की, उसने उसे टच किया और उसने देखा कि उस पर जंग लगा हुआ है लोहे पर. रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो किस तरीके का रिएक्शन है, तो ये जो है वो केमिकल रिएक्शन है, यानी कि रासायनिक क्रिया है. ठीक है. इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13th है वो है, द टीचर इज परफॉर्मिंग एंड एक्सप्लेनिंग द इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ वाटर. तो टीचर ने जो है वो वाटर का रिएक्शन जो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करवाया क्लास में. बबल्स आर फॉर्म्ड ऑन कैथोड एंड एनोड. तो बबल्स जो है वो फॉर्मेशन हुई कैथोड और एनोड में. तो कौन सा गैस जो है वो कैथोड पे जो है वो मतलब कि बनेगा, तो आंसर है हाइड्रोजन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14th है, व्हेन भीम डिसॉल्वड पैलेट्स ऑफ NaOH इन वाटर ही ऑब्जर्व दैट अ बीकर बिकम्स हॉट. तो जब उसने जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिकली जो है वो उसमें डाला, ठीक है, पैलेट्स में डाला, तो वो काफी ज्यादा जो है वो गर्म हो गया बीकर. तो ये किस तरीके का रिएक्शन शो कर रहा है, तो हीट जो है फिर वो इवॉल्व हुई, तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ताप निकासी क्रिया. क्वेश्चन नंबर 15th है बच्चों, सिकंदर वॉज रीडिंग अबाउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो सिकंदर जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ रहा था, ठीक है, और उसने देखा, ही रेड इन अ क्वेश्चन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर नोन टू बी ऑपोजिट टू डैश रिएक्शन. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसका जो है वो उल्टा जो है वो रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. ठीक है. तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म. इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट. बाय बाय.